जय गुरु जी। संगत जी, मैं रमेश। आज शनिवार है संगत जी, बहुत ही अच्छा दिन है। आज शनिवार वाले दिन गुरु जी ने मुझे मौका दिया है सत्संग शेयर करने का, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। संगत जी, मैंने अपना बेटा खोया है और वो भी इसी साल। मैं आपको भी सब कुछ बताऊंगा, सब कुछ शेयर करूंगा आपके साथ में, क्योंकि संगत जी मेरी लाइफ में मैंने इतने बड़े बड़े दुख देखे हैं ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। और अब मेरा जीने का मन ही नहीं करता संगत जी, तो प्लीज़ आप सत्संग को ध्यान से सुनना और प्लीज एक बार सत्संग को लाइक कर दो, शेयर कर दो। नीचे बटन आ रहा है मैं रमेश। संगत जी, जब से मेरा बेटा मुझे छोड़ के गया ना हमेशा के लिए, मेरा मन ही नहीं करता कि मैं और जीऊँ। संगत जी, मन करता है गुरुजी मुझे अपने चरणों में बुला लें, मुझे और नहीं जीना। संगत जी, मैं अभी आपको सब कुछ बताऊंगा, सब कुछ ए टू जेड जो मेरे साथ हुआ है, इसी साल के अंदर हुआ है। संगत जी, आप ध्यान से सुनना बस। संगत जी, शुरू में ना मेरे पास काम नहीं था कोई, तो मेरे को मेरे फ्रेंड ने कहा कि तू ऐसा कर, एक गाड़ी ले ले और उसको टैक्सी से मतलब इस्तेमाल कर, तू टैक्सी चलाया कर दिल्ली के अंदर और तू बहुत सारे पैसे कमाएगा। संगत जी, उसने मुझे ऐसे कहा कि मतलब मेरा मन कर गया फिर कि चलो, मेरे पास कोई काम तो है नहीं, ना मेरे पास नौकरी है, ना मैंने पढ़ाई लिखाई करी हुई है, तो इससे अच्छा तो ये है कि मैं एक टैक्सी मतलब ले लेता हूँ और मैं उसको चलाऊंगा और मैं खूब सारे पैसे कमाऊंगा, अपना परिवार चलाऊंगा, अपना घर चलाऊंगा। संगत जी, मैंने गाड़ी ले ली, वैगन आर। संगत जी, मैंने एक गाड़ी ली, गुरु महाराज की कृपा से मेरे पास 5 गाड़ियां भी हुई। एक गाड़ी ली, 5 गाड़ियां हुई, इसके बीच की बात मैं आपको बताता हूँ क्या है। संगत जी, जैसे मैंने पहली गाड़ी ली ना, हम सीधा बड़े मंदिर में गए थे। गुरु जी को तो हम पहले से ही मानते थे, हमारा विश्वास था गुरु जी के ऊपर और आज भी है, ऐसी बात नहीं है। संगत जी, जैसे मैंने पहली गाड़ी वैगनार ली, मैं मेरी आंटी और मेरे तीनों बच्चे, मेरे 3 लड़के हैं संगत जी, तीनों बच्चे मेरे साथ गए। हम माथा टेक कर आए गुरु जी के दरबार में, गुरु जी के बड़े मंदिर में। संगत जी, माथा टेका, गुरु जी की ब्लेसिंग्स ली और घर आ गए। पता नहीं संगत जी क्या ऐसा हुआ, इतना काम चला। पहले मुझे पैसों की भी संगत जी बड़ी दिक्कत रहती थी, बहुत दिक्कत थी, आपको क्या बताऊं। काम नहीं था, कोई जॉब नहीं थी, घर में पैसे की प्रॉब्लम थी, हर समय संगत जी घर में लड़ाइयाँ झगड़े कलेश होते थे। एक एक करके मैं आपको भी सब कुछ बताऊंगा संगत जी, आप बस ध्यान से सुनना और पूरा सुनना, बीच में संगत जी मत चले जाना कहीं। तो इतना मुझे फायदा हुआ संगत जी, मैंने 3 महीने के अंदर 3 गाड़ियां ली हैं, और 3 महीने में 3 गाड़ियां और ली, हो गई 4 गाड़ियां। संगत जी, अब ऐसा टाइम आ गया था कि मेरे 2 बेटे, 3 में से 2 बेटे, क्योंकि 2 बड़े थे 1 छोटा था, तो दोनों बेटों ने काम शुरू करा, उन्होंने भी गाड़ियां चलाई, टैक्सी चलाई उन्होंने भी। संगत जी मतलब काम को संगत जी पूरा हमने ना फैला दिया था, पूरा काम बढ़ता जा रहा था, पैसा आता जा रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। गुरु महाराज की बड़ी कृपा थी, बहुत कृपा थी गुरु जी की संगत जी। अब ऐसा टाइम आया संगत जी, इसी साल की बात है ये सारी, ये कोई इतनी पुरानी बात नहीं है, 2023 की बात है ये सारी संगत जी। ऐसा टाइम आया संगत जी, एक दिन ना मेरे पेट के अंदर बड़ा दर्द हुआ, पेट के अंदर। अब संगत जी काफ़ी दिन तक होता रहा, तो मुझे लगा कि शायद कोई एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी या पेट की मतलब कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक हो जाएगी अपने आप 2-4 दिन में, तो थोड़ा सा मतलब ऐसे मैं देख लेता हूँ, थोड़ा सा खाने पीने में मैं देख के खाता हूँ जो मुझे खाना। संगत जी 3-4 दिन मैंने इंतज़ार किया, मैंने वेट करा, पर जो दर्द था ना संगत जी वो बढ़ता जा रहा था। काफ़ी टाइम पहले संगत जी मेरे को थोड़ी सी ड्रिंक करने की भी आदत थी, कभी कभार मैं संगत जी कर लेता था काफ़ी साल पहले। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी आपको सब कुछ समझ आने वाला है गुरु महाराज की कृपा से। तो जब मैंने घर में भी बताया कि ऐसे मुझे दर्द हो रही है पेट के अंदर संगत जी, तो घर वालों ने भी कहा कि आप एक बार डॉक्टर को दिखा लो, ऐसे बच्चों ने भी कहा कि आप ऐसे मत करो बॉडी के साथ में, आप ऐसे मत करो, आप डॉक्टर के पास जाओ, हम साथ चलते हैं। संगत जी मेरे दोनों बेटे मेरे साथ गए, हम डॉक्टर के पास गए, यहीं पास में मेरे घर के पास डॉक्टर है, एक उनका क्लिनिक है डॉक्टर का, वहाँ गए संगत जी। डॉक्टर ने ना पहले मुझे टेस्ट लिख दिए कि पहले तो आप अपने पेट का टेस्ट करवाओ, अल्ट्रासाउंड करवाओ, पहले देखते हैं अंदर है क्या।
और संगत जी एक दो दर्द की दवाइयाँ थी, मतलब ऐसी दवाइयाँ थी, उन्होंने मुझे दे दी और मैंने वो दवाइयाँ खाई और टेस्ट करवा लिया। अब संगत जी जब मेरा मतलब टेस्ट की रिपोर्ट आई तो मुझे पता नहीं था कि इसमें मतलब कैसे देखते हैं, क्या देखते हैं, मुझे कुछ पता नहीं था। मैं सीधा रिपोर्ट लेकर ना सीधा अपने डॉक्टर के पास चला गया और मैं अकेला था, मेरे बच्चे उस दिन मेरे साथ नहीं थे, वो अलग अलग संगत जी अपने काम में गए हुए थे, वो मतलब टैक्सी चला रहे थे। मैं गुरुजी का नाम लेके अपने डॉक्टर के पास में चला गया कि डॉक्टर साहब ये देखो मेरी रिपोर्ट आ गई है, अब बताओ मैं क्या करूं, मेरे पेट में दर्द हो रही है बड़ी। संगत जी डॉक्टर ने मुझे एक ही बात बोली, मेरी रिपोर्ट देख के ना वो चुप कर गए पहले संगत जी, पहले उन्होंने कुछ भी नहीं कहा मुझे, 5 मिनट तक वो चुप रहे। 5 मिनट के बाद वो मुझे कहते हैं आपको लिवर ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा क्योंकि आपका जो लिवर है ना वो बिल्कुल मतलब इतना कम काम कर रहा है, इतना कम कि मैं आपको क्या बताऊं, बिल्कुल आपका आपका लिवर बिल्कुल सड़ चुका है। संगत जी उन्होंने मुझे एक बात बोली, अभी भी संगत जी मैं मतलब कांप जाता हूं जब भी मैं वो बात याद करता हूं ना, वो संगत जी डॉक्टर की बात, मैं आपको सच बता रहा हूं संगत जी मेरी कपकपी छिड़ जाती है, मतलब शरीर में ना कपकपी सी हो जाती है बिल्कुल, वो मतलब वो बात याद करके भी। डॉक्टर ने मुझे एक ही बात बोली, आपका लिवर बिल्कुल खराब हो चुका है, सड़ चुका है, इसलिए आपको ऐसा हो रहा है, आपका लिवर खत्म है, इसीलिए आपको ना भूख लग रही है, ना आपका खाने का मन करता है और ना ही आपका पेट ठीक है, जल्दी से करवा लो ऑपरेशन, लिवर ट्रांसप्लांट करवाओ वरना कुछ भी हो सकता है आपको, आप देख लो। संगत जी मैं घर आ गया, मैं तो संगत जी मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई कि अरे ये क्या हो गया मुझे, मैं तो काफी साल पहले मैं ऐसा करता था पर अब तो मैं मतलब कोई ये चीजों को मैं मतलब कि टच भी नहीं करता बिल्कुल भी, मैं तो घर का खाना खाता हूँ। संगत जी मैंने घर आके ना किसी को भी नहीं बताया, मैं शाम तक ऐसे ही बैठा रहा बिल्कुल चुप, सोचता रहा कि अगर देखो संगत जी मन में ना ऐसी बातें आ जाती हैं, मन में ना अगर डॉक्टर ने ऐसा बोल दिया ना संगत जी तो मन में ऐसी बातें आ जाती हैं कि अरे अब तो कुछ भी हो सकता है, अब तो हमारा परिवार का मेरे परिवार का क्या होगा। मुझे ऐसा लगा संगत जी कि डॉक्टर ने मुझे कह दिया है अब ट्रांसप्लांट करवाने के लिए तो बहुत पैसे चाहिए और डोनर भी चाहिए। संगत जी मुझे ऐसे लगने लगा कि बस अब मैं जाने वाला हूँ तो मेरे परिवार का क्या होगा। संगत जी मेरे को अपनी टेंशन नहीं थी, मुझे अपनी 1% भी टेंशन नहीं थी, मैं तो बिल्कुल रेडी था जाने के लिए। संगत जी मेरे को अपने परिवार की चिंता थी कि अभी तो मेरे बच्चे भी देखो मतलब काम कर रहे हैं पर सेटल नहीं है पूरे अच्छे तरीके से, तो मैं मतलब क्या होगा इन सबका, ये कैसे करेंगे सब चीज़ें। संगत जी मैं यही सोच सोच के ना मतलब शाम हो गई रात हो गई, जब मेरे दोनों बेटे काम से आए ना मतलब अपने अपने काम से, उन्होंने मुझे आके देखा कि मैं तो इतना बिल्कुल शांत बैठा हुआ हूँ, मैं तो शांत बैठता ही नहीं हूँ, मैं तो संगत जी बातें करता रहता था बड़ी। उन्होंने संगत जी मुझे देखा कि मैं तो बिल्कुल शांत बैठा हुआ हूँ और ना किसी से बात कर रहा हूँ ना कुछ। उन्होंने संगत जी मेरे से सीधा एक ही बात पूछी, क्या कहा डॉक्टर ने आपको। संगत जी मैंने उनको बताया कि डॉक्टर ने मुझे कहा है कि मुझे लिवर ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा, मेरा लिवर खराब हो चुका है बिल्कुल और काफ़ी सालों से ये दिक्कत है पर मैंने ध्यान नहीं दिया, ये दर्द अंदर ही अंदर हो रही थी पर संगत जी मैं उनको हल्के में लेता रहा और ये प्रॉब्लम बढ़ती बढ़ती कहाँ की कहाँ पहुँच गई। बच्चों ने कहा कोई बात नहीं पापा, इसमें घबराने की क्या बात है, अगर आपको कोई डोनर नहीं मिलेगा ना तो मैं आपको लिवर दूंगा। संगत जी ये सुन के संगत जी मतलब देखो बच्चों से कौन लेता है, संगत जी इससे बढ़िया तो मैं मर जाता, इससे बढ़िया बच्चों से लेने से बढ़िया संगत जी मैं मर जाता, बस मैं आपको यही कह सकता हूँ। पर गुरु महाराज की कृपा थी, गुरु जी की कृपा थी संगत जी, गुरु जी की कृपा, गुरु जी ने मुझे बिना लिवर ट्रांसप्लांट के लंगर प्रसाद खिला खिला के संगत जी मैं डेली सत्संग में जाता था। पूरे 1 महीना मेरा बेटा मुझे सत्संग में ले जाता रहा है, जहाँ जहाँ पे भी दिल्ली के अंदर सत्संग होते रहे हैं, कभी इस एरिया में, कभी दूसरे एरिया में, कभी तीसरे एरिया में,
डेली का हमारा था, रात के समय ना लंगर प्रसाद मैं हर बार खा के आता था, गुरु जी की ब्लेसिंग्स वाला प्रसाद। और संगत जी वो लंगर प्रसाद खा खा के वो मेरी दर्द कहाँ की कहाँ चली गई मुझे पता नहीं है। और इस बात को हो गए हैं पूरे 3 महीने, ना मैंने कोई दोबारा से टेस्ट करवाया। मैं उन डॉक्टर के पास भी गया था संगत जी, मेरे बेटे ने मुझे कहा कि आप एक बार डॉक्टर के पास में चले जाओ, क्योंकि ऐसे ये संगत जी बॉडी का मामला है तो आपकी मतलब तबीयत खराब भी हो सकती है बाद में, अगर आपको अभी दर्द नहीं हो रहा तो बाद में हो सकता है कि और कुछ हो जाए। संगत जी मैं गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने मेरे से जाते ही पूछा कि आपको दर्द हो रही है अभी? मैंने कहा कि नहीं डॉक्टर साहब, अब तो बिल्कुल मैं ठीक हूँ, मुझे भूख भी लगती है, मैं मतलब खाने का मन भी करता है और मेरा पेट भी बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर ने कहा घर चले जाओ, कुछ नहीं है। बताओ ऐसा हो सकता है? जो डॉक्टर आपको कह रहा हो 1 महीने पहले कि आपका लीवर खराब हो चुका है, सड़ चुका है बिल्कुल, आप ट्रांसप्लांट करवा लो वरना आपकी डेथ भी हो सकती है क्योंकि अंदर कुछ है नहीं आपके, और वही डॉक्टर 1 महीने के बाद अपने आप सीधा मेरे से ये पूछता है कि आपको कोई तकलीफ हो रही है, आपके पेट में दर्द हो रही है, आपको भूख लगती है? और मैंने कहा बिल्कुल डॉक्टर साहब। तो वो कहते आप ठीक हो, घर चले जाओ, कोई टेस्ट की ज़रूरत नहीं है आपको। संगत जी मैं घर आ गया और आज 3 महीने हो गए हैं, 3 महीने हो गए। मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार मुझे सब कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि तू ठीक कैसे हो गया। पर संगत जी उनको क्या पता कि मेरे ऊपर तो गुरु महाराज की कृपा है सारी, मेरे को तो गुरु जी ने ब्लेस कर दिया लंगर प्रसाद खिला खिला के। मेरा ऑपरेशन वहीं हो गया संगत जी, मेरा लिवर ट्रांसप्लांट वहीं कर दिया गुरु जी ने। मेरे दोस्त यार मुझे आज भी कहते हैं अरे तू एक बार चेकअप करवा ले, कुछ भी हो जाएगा तेरे को। पर संगत जी मैं उनकी बातों पे ध्यान नहीं देता। अब जब तक है सब तब तक ठीक है संगत जी, क्या घबराना, जाना तो है ही एक दिन। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरा सबसे छोटा वाला बेटा कैसे इस दुनिया से चला गया, और मुझे संगत जी मतलब मैं उसको रोकता रह गया पर वो नहीं रुका, मैं रोकता रह गया संगत जी उसको। अभी मैं आपको बताता हूँ। संगत जी मेरे ठीक होने के बाद ना एक दिन 5 गाड़ियाँ घर में खड़ी हुई थी। पहला मतलब कि जो मेरा जो सबसे बड़ा बेटा जो फर्स्ट नंबर पे है वो आया, वो अपनी गाड़ी ले गया, अपने काम से चला गया। दूसरा बेटा आया, वो भी चला गया। संगत जी तीसरा बेटा मुझे कहता है कि पापा पापा मैं ना अभी अब यहाँ से मतलब पास ही जा रहा हूँ अपने दोस्तों से मिलने के लिए, तो मैं गाड़ी ले जाऊँ? संगत जी मैंने उससे पूछा बेटा आपको गाड़ी चलाने आती है? वो मुझे कहता बिल्कुल आती है पापा, मैंने सीख ली थी गाड़ी। मैंने कहा बेटा देखो आपके पास अभी लाइसेंस भी नहीं है और आप अभी माइनर भी हैं, मतलब अभी एज भी नहीं है आपकी गाड़ी चलाने वाली, तो आप ऐसे रिस्क मत लो बेटा, आप मत जाओ। संगत जी मैंने उसको कहा कि तू साइकिल से चला जा, तू स्कूटी से चला जा, मेरी एक्टिवा से चला जा, पर तू गाड़ी मत लेके जा। उसकी मम्मी ने भी संगत जी, मेरी आंटी ने भी उसको बहुत रोका पर वो नहीं रुका, वो नहीं रुका संगत जी। मेरे कहने के बाद भी वो नहीं रुका और वो गाड़ी लेके गया। आधे घंटे के बाद उसके दोस्तों का मुझे फोन आता है कि उसकी गाड़ी डिवाइडर से टकराई हुई है, अंकल जल्दी आ जाओ। संगत जी मैं जैसे तैसे करके वहां पहुंचा, देखा तो मेरे बेटे के, संगत जी मेरा रोना निकल रहा है इस समय, मैं आपको कैसे बताऊं, मेरे बेटे के कपड़े पूरे, उसका फेस संगत जी पूरा चेहरा खून से लथपथ था, खून से लथपथ, क्योंकि डिवाइडर से उसकी गाड़ी टकराई। और जो लोहे का संगत जी एक पाइप होता है मतलब जो स्ट्रीट लाइट के लिए, वो सीधा अंदर गाड़ी के चला गया था, जिसकी वजह से उसकी मौके पे ही संगत जी डेथ हो गई, मौके पे। मैं वहीं से डॉक्टर के पास लेके गया उसको हॉस्पिटल में, जाते ही उसको डेथ डिक्लेयर कर दिया। डॉक्टर ने कहा कि इनके अंदर कुछ नहीं है। संगत जी आप मान सकते हो इस बात को, मैंने अपना बेटा खोया है, अपना बेटा, पर गुरु महाराज की इतनी कृपा है, इतनी कृपा है संगत जी, गुरु जी ने
उस बेटे के बारे में भी संगत जी मुझे ये बताया है कि उसकी इतनी लिखी हुई थी। उसने जाना था, वो तभी घर से गया और उसने गाड़ी पे वो इसीलिए गया क्योंकि उसकी डेथ लिखी हुई थी। संगत जी मेरे को मतलब मैं आपको कैसे बताऊं कि उसके जाने के बाद पूरा एक महीना संगत जी मैंने अपने दोनों बेटों को गाड़ी पे नहीं भेजा कि तुम गाड़ी पे मत जाओ बेटे, एक का हाल आपने देख लिया है, प्लीज़ आप गाड़ी चलाना छोड़ दो, सारी गाड़ियां बेच दो। मैंने बच्चों को ये भी कहा, पर संगत जी आजकल बच्चे सुनते नहीं हैं, प्लीज़ आप सत्संग को लाइक करो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। मैं रमेश, आप सत्संग को लाइक नहीं करते हैं, प्लीज़ लाइक करो शेयर करो। जय गुरु जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरुजी। संगत जी।